तो कोरोना महामारी से जूझ रहे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत भरी खबर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि कुछ ही हफ्तों में कोरोना के खिलाफ देश में टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना पर वार की सारी तैयारी हो चुकी है, हिंदुस्तानी वैक्सीन तैयार है, बस वैज्ञानिकों की हरी झंडी का इंतजार है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। ब्रिटेन और रूस की तर्ज पर हिंदुस्तान में भी टीकाकरण अभियान का आगाज बस कुछ ही हफ्तों में होने वाला है। कोरोना का सफाया करने की इस मुहिम से पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को इस बयान से आश्वस्त कर दिया है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। अब तक कोरोना वैक्सीन के आने की बात डॉक्टर और देश के स्वास्थ्य मंत्री ने की थी। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर दी है। सिर्फ खबर ही नहीं दी है, वैक्सीन के आने से लेकर उसे दिए जाने, उसकी कीमत और उसके रखरखाव से जुड़ा पूरा रोड मैप देश के सामने रख दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि सबसे पहले वैक्सीन उन लोगों को दी जाएगी जिन पर कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा है। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर देश के सामने सारी बातों को साफ साफ रखने के लिए पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें वो ऑनलाइन जुड़े। इस वक्त सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि वैक्सीन की कीमत क्या होगी, तो पीएम मोदी ने बताया कि अभी ये तय नहीं है, लेकिन ऐसा करते समय लोगों की सेहत को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी जाएगी। साथियों, वैक्सीन की कीमत कितनी होगी इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि टीकाकरण को लेकर तरह तरह की बातें शुरू हो सकती हैं, लिहाजा उन्होंने अफवाहों से बचने की हिदायत दी। उन्होंने कहा, देश के पास टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क है, अगर ज्यादा जरूरतें पड़ेंगी तो उनका भी इंतजाम किया जाएगा। कोल्ड चेन को मजबूत करने के लिए कोशिश तेज हो गई है। भारत ने एक खास सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें उन लोगों को रियल टाइम में जानकारी मिलेगी जिन्हें कोरोना वैक्सीन का फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने पूरे देश को आश्वस्त किया कि कोरोना वैक्सीन का टीका भरोसेमंद होगा क्योंकि उसमें सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को यह भरोसा ऐसे समय में दिया है जब कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा लगभग 1,40,000 के करीब पहुंच चुका है। वहीं दिल्ली में तीसरी लहर का कहर टूटा है। दूसरी तरफ ब्रिटेन और रूस ने वैक्सीन तैयार कर लेने और कुछ ही दिनों में टीकाकरण शुरू करने का ऐलान कर दिया है। ब्रिटेन में जहां फाइजर बायो एनटेक ने वैक्सीन तैयार कर ली है, वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने देश में तैयार वैक्सीन स्पुतनिक को आम लोगों को दिए जाने का आदेश दे दिया है। ऐसे में भारत भी इन देशों से ज्यादा पीछे नहीं है।
पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगभग तैयार है, उसे बस मंजूरी का इंतजार है और ये इंतजार इसी महीने या साल की शुरुआत में खत्म हो सकता है। आज तक ब्यूरो। भारत में आज वैक्सीन पर काम चल रहा है, इनमें से 3 भारत की अपनी है। भारत ने 160 करोड़ डोज वैक्सीन का ऑर्डर दे रखा है। सरकार ने उन लोगों की जानकारी करीब करीब जुटा ली है जिन्हें पहले दौर की कोरोना का सुरक्षा कवच मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही अब जाकर वैक्सीन आने का ऐलान किया है, लेकिन पहले दौर में जिन लोगों को वैक्सीन दी जानी है उनके रजिस्ट्रेशन का काम पहले ही शुरू हो चुका है। दिल्ली समेत देश के तमाम शहरों में ये काम तेजी से चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि 3 वैक्सीन भारतीय हैं जिनके जल्द आने की उम्मीद है। भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दरअसल अहमदाबाद में जायडस कैडिला जायकोव डी नाम की वैक्सीन बना रही है। ये पूरी तरह से देसी है जिसके 2 चरण का ट्रायल हो चुका है। वहीं हैदराबाद में भारत बायोटेक ICMR के साथ मिलकर कोवैक्सीन नाम की कोरोना वैक्सीन बना रही है। एम्स सहित 25 अस्पतालों में इस वैक्सीन का तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। मगर वैक्सीन की रेस में सबसे आगे है पुणे में बन रही कोविशील्ड वैक्सीन। इसे सीरम इंस्टीट्यूट, ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बना रही है। ये वैक्सीन देश में सबसे आगे है। इसके तीसरे फेज का ट्रायल भी हो चुका है। वहीं इसे 60-70% तक कारगर बताया गया है। इस वैक्सीन को बस मंजूरी का इंतजार है। जहां दुनिया के तमाम देश कोरोना वैक्सीन की बुकिंग कर रहे हैं, वहीं भारत सबसे ज्यादा ऑर्डर देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत ने 160 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लेनी पड़ती है, लिहाजा 80 करोड़ लोगों के लिए पर्याप्त डोज की बुकिंग हो चुकी है। भारत के बाद यूरोपियन यूनियन दूसरे नंबर पर है जिसने 158 करोड़ डोज की बुकिंग की है। वहीं अमेरिका ने 100 करोड़ से ज्यादा डोज की बुकिंग की है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगभग सभी ने बुक कर रखी है। भारत ने रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की 10 करोड़ डोज की डील की है। इस वैक्सीन का अंतिम ट्रायल भारत में जारी है। हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ स्पुतनिक वी ने समझौता किया है, यानी वैक्सीन का इंतजाम लगभग हो गया है। वहीं सरकार ने कोविन नाम का एक ऐसा ऐप बनाया है जिसके जरिए उन लोगों का आंकड़ा जुटाया जा रहा है जिन्हें पहले वैक्सीन दी जाएगी। एक है ई विन प्लेटफॉर्म था जिसपे, उसको इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क बोलते हैं। उस प्लेटफॉर्म पे पूरी वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग साइट से लेकर और जो नीचे तक फील्ड तक जाती है उसकी पूरी ट्रैकिंग रहती है, पूरा रिकॉर्ड कितनी वैक्सीन है, उसका क्या टेम्परेचर है, वो सब रहता है। अब हमने उस ईविन प्लेटफॉर्म को कोविन प्लेटफॉर्म में तब्दील कर दिया है, यानी उस पर जो बेनिफिशियरी जिसको अल्टीमेटली वैक्सीन लगनी है उसका भी रिकॉर्ड उसके ऊपर। अब आप मान लीजिए, सपोज आप एक पोटेंशियल बेनिफिशियरी हैं जिसको वैक्सीन लगेगी, तो उस प्लेटफॉर्म पे आपका नाम तो पहले से होगा ही अपलोडेड, लेकिन आपको समय पे SMS जाएगा, फिर किसने आपको वैक्सीन दी, कब दी, कहां पर दी, फिर उसकी सेकेंड डोज के लिए आपको मान लीजिए 1 महीने के बाद लगनी है, कितने हफ्ते के बाद लगनी है, तो वो इतना बड़ा साइंटिफिक वैक्सीन इंटेलिजेंस का कोविड का प्लेटफॉर्म हम लोगों ने डेवलप किया। बताया जा रहा है कि भारत में वैक्सीन आने पर सबसे पहले 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी। इनमें कोरोना मरीजों के इलाज में लगे सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर नर्स शामिल हैं। इसके बाद 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स का नंबर आएगा। इनमें सुरक्षा बल, पुलिस, होमगार्ड, म्यूनिसिपल वर्कर शामिल होंगे। अगला नंबर आएगा प्राथमिकता वाले उम्र समूह का, जिसमें 27 करोड़ भारतीय होंगे। इसमें 50 साल से ऊपर के लोग होंगे। 50 साल से कम उम्र के ऐसे लोग जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो उन्हें भी कोरोना का टीका दिया जाएगा। इन सारे लोगों की जानकारी कोविन ऐप पर डाउनलोड की जा रही है। ये काम 8 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। आज तक ब्यूरो।
पीएम मोदी ने कहा है कि भारत में 3 देसी वैक्सीन तैयार हो रही हैं। इन कंपनियों पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। हम आपको दिखाते हैं कि वैक्सीन बनाने में इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। बीते शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अलग अलग शहरों के 3 संस्थानों का दौरा किया था, जहां वैक्सीन तैयार करने का काम चल रहा है। ये तीनों कंपनियां स्वदेशी हैं। पहली कंपनी है भारत बायोटेक, जिसे 1996 में शुरू किया गया था। इसे डॉक्टर कृष्ण एम एला और सुचित्रा एला ने शुरू किया था। ये कंपनी ICMR और NIV के साथ मिलकर देसी कोरोना वैक्सीन बना रही है। कंपनी ने इससे पहले पोलियो और रेबीज की कारगर वैक्सीन बनाई थी। अगला और दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन निर्माता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना 1966 में डॉक्टर साइरस पूनावाला ने की थी। यहाँ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन बना ली है, जिसे ब्रिटेन से मंजूरी का इंतजार है। सीरम इंस्टीट्यूट ने अब तक पोलियो, डिप्थीरिया, टेटनस, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाई है। तीसरी कंपनी अहमदाबाद की है, जहां शनिवार को पीएम मोदी सबसे पहले पहुंचे थे। जायडस कैडिला 1952 में शुरू हुई थी। कंपनी को तीसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी रेबीज और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन बना चुकी है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।